हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक आपके अपने यूट्यूब चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे कमेंट्स है, उसके लिए बहुत थैंक यू, लेकिन आपके हर एक वीडियो का मैं जवाब जरूर दूंगा। और एक मेरी खास बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आपको एक चीज आती है, लेकिन उस चीज में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं वो सारी चीजें आप जब तक नहीं देखेंगे वो चीज आपकी क्लियर नहीं होगी। आज आपको वो याद है, 6 महीने बाद आप भूल जाएंगे। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, नीट है, जी है या एम्स है, उसके लिए। तो कूलम्स लॉ दोस्तों, कूलम्स लॉ हमें यह बताता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, ये हमने पढ़ा था रिपेल करते हैं, ठीक है? मतलब प्लस प्लस चार्ज को अगर मैं नजदीक रखूं या माइनस माइनस चार्ज होंगे तो वो मेरे रिपेल करेंगे। वहीं अगर मैं देखूं कि अनलाइक चार्जेस, तो मैं ये बोलूंगा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मैंने बताया था ना एक बेसिक सा रूल, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, ये याद रखना है, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। तो अगर मैं प्लस माइनस या माइनस प्लस मेरे पास में चार्ज हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये चार्ज मैं कहीं पर भी रख दूं, सपोज करो एयर में है, वैक्यूम में है, वॉटर में है, माइका में है, ऑयल में है, कहीं भी ये चार्ज हो मेरे, तो कूलम ने यह बताया कि इनके ऊपर ये अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स है ये कितना फोर्स लगेगा, ठीक है? कूलम्स लॉ की सहायता से या विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ हम ये ज्ञात कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि चार्जेस जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना फोर्स होगा, ठीक है? तो कूलम ने बताया कि यह रिपल्शन और अट्रैक्शन का फोर्स कितना होता है। जैसे मेरे पास में कूलम ने देखा कि ये कोई प्लस Q1 चार्ज है और ये कोई प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है? दोनों सेम है तो क्या होगा, इनमें इनमें रिपल्शन होगा, सेम चार्जेस है। आप यहां अपोजिट भी ले सकते हैं, अब मतलब ये प्लस ये माइनस लेंगे तो अट्रैक्शन होगा, ये मैंने सेम लिया है तो रिपल्शन होगा, ठीक है? तो कूलम ने कुछ एक पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट क्या था कि चार्जेस मेरे क्या होने चाहिए, चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक बॉल मेरे पास है, एक आपके पास है, आप मेरे से दूर खड़े हो तो आप मुझे मेरी बॉल को देखोगे तो वो आपको पॉइंट दिखेगी, दूर मींस थोड़ा सा 100 मीटर 50 मीटर, और मैं आपकी बॉल को देखूंगा तो वो आपको मेरे को पॉइंट दिखेगा वो। तो पॉइंट चार्जेस मतलब जो स्पेस, जिसकी स्पेस बहुत छोटी सी हो, जो बिखरा हुआ नहीं हो, जो एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं हो। जैसे एक बॉल है मेरी यहां पे, ये मान लो बॉल है, इसके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है? तो ये एक्सटेंडेड चार्ज हो गए ना, बिखरे हुए हो गए, नहीं, यहां पे सिंपल पॉइंट चार्ज, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो पॉइंट चार्जेस के बीच में ये फोर्स लगेगा हमेशा, ठीक है? कूलम ने बताया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है कूलम्स लॉ के अंतर्गत, ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? दूसरा, कूलम ने ये बोला कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स डिपेंड अपॉन द मीडियम। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, आपने आपके चार्जेस को कहां रख रखा है, वॉटर में, एयर में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, माइका में, ऑयल में, कहां आपने आपके चार्जेस को रख रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये फोर्स, ठीक है? दिस फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम। कैसे डिपेंड करता है अभी देखेंगे अपन, ठीक है? तीसरा, कूलम ने बोला कि ये जो फोर्स है, ये जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। मींस फोर्स एफ ई
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिनोट करूंगा, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, ठीक है। चौथा इसने बोला कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस, मतलब अगर मैं यहां सेंटर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस या सेपरेशन है इसको आर बोलूं, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर यू गेटिंग मी? ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। चीज समझे मेरी? ये पूछे कूलम्स ने पॉइंट बताए थे अपने को, जिसके बेसिस पे हमने कूलम्स लॉ निकाला। समझ गए बात को? पहला क्या था? चार्ज शुड बी पॉइंट चार्जेस। दूसरा क्या था? फोर्स डिपेंड अपॉन द मीडियम। तीसरा क्या था? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेस। और फोर्थ क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना चाहिए ये, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे। अब इनको कूलम ने कंबाइन किया, कंबाइन ऑल द पॉइंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और वी कैन से दैट एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। यह आपका मैथमेटिकली फॉर्म में कूलम्स लॉ है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म। ये बोलता है एफ इज इक्वल टू के, के यहां पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, यहां के क्या है? के इज अ कांस्टेंट। के क्या है यहां पे? के इज अ कांस्टेंट। बट हमने यहां क्या बोला था? फोर्स डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो जो ये के है, ये के इज डिपेंड अपॉन मीडियम। समझे मेरी बात को? ये जो के है ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो अगर मैं आपको यहां बताना चाहूं तो के की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन, और एप्साइलन जो है ये होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। हाल फिलहाल आप ये समझिए के इज डिपेंड अपॉन द मीडियम। और यहां मैं अगर वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर लूं तो के की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है मेरी, वो होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। किस किस के लिए? फॉर वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है ये होती है 9 × 10⁻⁹। इसके यूनिट अगर आप निकालना चाहें तो देखिए यहां से निकालेंगे, ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये आर स्क्वायर इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। आर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसलिए यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चार्जेस है, चार्जेस की यूनिट होती है कूलम, ये नीचे जाएंगे तो यहां हो जाएगा अपॉन में कूलम स्क्वायर, तो ये मैं बोलूंगा पर कूलम स्क्वायर। तो के की जो मेरी वैल्यू है फॉर वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर के लिए, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोस्तों ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा आगे वाले टाइम में। तो यह बेसिक कूलम का लॉ था, कूलम ने मुझे क्या बताया कि यह मेरा लॉ है और इसके अकॉर्डिंगली मेरा रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, अब ध्यान दो, रिपल्शन फोर्स है तो इधर दोनों को एक दूसरे से दूर फेंकेगा, तो यहां इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ठीक है। इस फोर्स को मैं बोलूंगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एफ वन टू, ठीक है।
यहां मैं बोलूंगा इसको फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो मैं लिख के बता देता हूं आपको, ये हो गया मेरा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये ध्यान रखना, ये फोर्स है मेरा Q1 पे लगा हुआ है, Q2 के कारण लगा हुआ है, तो F12 बोला इसको मैंने, F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और इसी तरीके से ये फोर्स मेरा इधर की तरफ लगेगा, इसकी वैल्यू होगी F ऑफ टू वन। तो दोस्तों यहां मैंने ये बोला कि ये जो F21 है, F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, देखिए फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो ये मेरे डायरेक्शन है फोर्सेस की जो रिपल्सिव है नेचर में। रिपल्सिव क्यों है, क्योंकि यहां पे जो मेरे दोनों चार्जेस हैं वो चार्जेस हैं सेम, समान है चार्ज दोनों, ठीक है। तो ये चीज है F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये है F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। फटाफट पॉज करके इसको उतारो, चीजें क्लियर रखो माइंड में, ठीक है। डस्टर मेरा, चलिए पॉज करके उतार लो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब देखते हैं कि जो मेरा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मतलब ये जो मेरा कूलम्स लॉ है, ये वन, इसमें जो फोर्स होता है ये वन अपॉन आर स्क्वायर से चेंज होता है। तो कई बार बोर्ड में न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई कंपटीशन एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं अपन क्या, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर मैं फोर्स में और डिस्टेंस में ग्राफ बनाऊं, तो ये ग्राफ इस तरीके से डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से कम होता जाता है, मतलब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और जैसे ही अगर डिस्टेंस में कम करूंगा, ये डिस्टेंस में कम कर रहा हूं, तो फोर्स मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा तेजी के साथ में, समझ रहे हो बात को। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस डबल्स, मतलब डिस्टेंस को डबल कर दिया तो चार्ज के जो फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, या डिस्टेंस को हाफ कर दिया, या डिस्टेंस को तीन गुना कर दिया, थ्री टाइम्स कर दिया, फाइव टाइम्स कर दिया, तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आपको शॉर्ट में बताता हूं, ध्यान रखना। देखो डिस्टेंस को डबल कर दिया मतलब आर इज इक्वल टू टू आर हो गया मेरा, ठीक है। तो पहले यहां पे फोर्स क्या था मेरा, एफ जो था ये क्या था मेरा, एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और अब मैंने डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू ओवर टू आर स्क्वायर। तो यहां जो फोर्स है ये क्या है मेरा, एफ, ये जो फोर्स है इसको मैं ले लेता हूं एफ डैश, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फोर्स मेरा किसके बराबर होगा, ये देखो, तो ये हो जाएगा कि क्यू वन क्यू टू से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां क्या बच जाएगा मेरा, एफ डैश इज इक्वल टू, अगर मैंने डिस्टेंस को डबल किया है तो जो मेरा फोर्स है वो पहले के बराबर, पहले से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रख देंगे अपन इसकी एफ ई की, ये जो फोर्स की वैल्यू है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर फोर आर स्क्वायर। अब इसकी जगह में, इस टर्म की जगह में ये एफ ही रख सकता हूं या एफ रख सकता हूं, ठीक है, ये एफ रख सकता हूं, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाय फोर। तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को डबल कर देता हूं तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, वन बाय फोर्थ हो जाएगा, समझे, एक दूसरा न्यूमेरिकल। अब ध्यान से समझना, अगर डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूं, मतलब पहले r थी अब r बाय टू कर दूं, मतलब डिस्टेंस को मैंने क्या किया, r बाय टू कर दिया, तो अब पहले मेरा जो फोर्स था वो था F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, नया वाला फोर्स हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर
आर बाय टू का होल स्क्वायर, सोल्व करो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4। इसकी जगह मैं क्या रखूं, ये वाली वैल्यू रख दूं f, तो ये मेरा 4f। मतलब मैंने अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो मेरा नया फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। समझे मेरी बात को? अगर मैं डिस्टेंस को 3 टाइम्स करूं तो मेरा नया फोर्स हो जाएगा F/9। मतलब आप जितनी डिस्टेंस को, जितनी डिस्टेंस होगी स्क्वायर टाइम्स फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर डिस्टेंस को 2 करोगे, डबल करोगे, तो स्क्वायर पे इस पे फोर्स पे स्क्वायर टाइम कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हाफ करोगे तो स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका फोर्स चेंज होता है। चलिए पॉज करके लिख लेना, और अगर मैं जल्दी चल रहा हूं तो कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर आप जल्दी हो तो हम क्या है स्लो कर लेंगे उस चीज को। चलो अभी हम आगे देखते हैं, जो बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक है, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। देखो ये है, अच्छा कई बच्चे बोल रहे हैं सर बोर्ड का पढ़ाओ, कई बच्चे बोल रहे हैं सर जेईई का पढ़ाओ, कई बच्चे बोल रहे हैं सर एम्स का पढ़ाओ। तो देखो शुरुआत में बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन चलते हैं, फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन अच्छे आते जाते हैं, वैसे जीई एम्स नेट, ठीक है, नीट वगैरह का, तो आप पढ़ते जाइए टॉपिक। आपको जहां समझ में नहीं आए वहां मेरे को सिर्फ कमेंट बोल देना, सर इतने बज के इतने मिनट पे हमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए ये हो गया मेरा प्लस क्यू वन चार्ज, ये हो गया मेरा प्लस क्यू टू चार्ज, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मैंने मान ली आर, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये हो गया एफ 1/2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमेशा लिख लो शुरुआत में, लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हो गया मेरा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, ये हो गया एफ 2/1, ये हो गया मेरा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब देखो ये 1 है, ये आर 1, ये 2 है आर 2 है, तो यहां से यहां एक वेक्टर होगा और यहां से यहां एक वेक्टर होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये हुई ना कोई बात, फाइनल माइनस इनिशियल। ऊपर वाले केस में देखते हैं फाइनल क्या है आर टू, इनिशियल क्या है आर वन, तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन होगी F21 की डायरेक्शन में, F21 की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फाइनल क्या है यहां पे R1, इनिशियल क्या है R2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में हो जाएगी F12 की डायरेक्शन में, F12 की डायरेक्शन R1 माइनस R2 की डायरेक्शन होगी। चीज समझ गए, ये अगर मैं मोड R ले लूं तो R1 माइनस R2 का मोड ले लूं, चाहे R मोड ले लूं, चाहे R2 माइनस R1 का मोड ले लूं, तीनों डिस्टेंस बराबर ही तो है मेरी, यस और नो भाई, ये डिस्टेंस R1 माइनस R2, ये डिस्टेंस R2 माइनस R1 या मोड ऑफ R, तीनों मेरी मोड डिस्टेंस, अगर मैं मोडलेस इसमें मैग्नीट्यूड में देखूं तो तीनों डिस्टेंस मेरी बराबर ही तो है यहां पे, है या नहीं। अब मैं वेक्टर फॉर्म निकालता हूं तो देखो इधर देखिए, एफ ऑफ 1/2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू के क्यू 1 क्यू 2 ओवर मोड ऑफ आर का स्क्वायर इनटू, अब देखो एफ 1/2 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, तो आर 1 माइनस आर 2 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है मुझे, अगर ये नहीं आता है तो 11th के वेक्टर को खोल के देखना, एक दो दिन में मैं डाल दूंगा वीडियो, ठीक है, 11th का कोर्स भी चालू करेंगे। तो ये हो गया, अब यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हैं अपन, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, तो यहां पे क्या लिखूं मैं,
आर वन माइनस आर टू का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू मैं इस वाले फोर्स में रखू तो ये आ जाएगी मेरी एफ ऑफ वन टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर मोड ऑफ आर का स्क्वायर आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। भाई सिंपल सी बात है, ये मैंने देखा, ठीक है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को बताएगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैंने इस वाली इक्वेशन में रख दी, ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई। और मैंने अभी आपको बताया था कि मोड ऑफ आर ले लो, चाहे मोड ऑफ आर वन माइनस आर टू ले लो, चाहे मोड ऑफ आर टू माइनस आर वन ले लो, बात तो एक ही है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन मोड ऑफ आर वन माइनस आर टू वेक्टर, अब ये स्क्वायर है और ये वन है, तो यहां क्या हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। ये आपकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कूलम्स लॉ को बताती है वेक्टर फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, टेंशन मत लेना। तो ये एफ वन टू हो गया मेरा, ये सुन लो, ठीक है। और अगर मैं अब F21 निकालना चाहूं तो F21 भी सिमिलरली निकल जाएगा, यहां F21 आ जाएगा K Q1 Q2 upon mod of R square R2 minus R1 यूनिट क्या, यूनिट वेक्टर, और R2 minus R1 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे R2 minus R1 upon mod of R2 minus R1, ये इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये आ जाएगा F21 is equal to K Q1 Q2 upon mod of R square R2 minus R1 वेक्टर upon mod of R2 minus R1। या इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो यहां पे देखिए F21 force on 2 do 2 1, ये हो जाएगा मेरा K Q1 Q2 upon mod of R2 minus R1 का क्यूब R2 minus R1 वेक्टर, ये मेरी एक और इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चीज समझे। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा आपको कि कूलम ने बोला कि दोनों फोर्स कौन से F12 और F21 बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कूलम ने क्या बोला कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। बिल्कुल है, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टू वन, और ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। कैसे, देखो यहां अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लो आप तो ये नेगेटिव आ जाएगा माइनस एफ टू वन, और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन वन के बराबर होगी मेरी। तो कूलम ने क्या बोला कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन में दोनों अपोजिट होंगे, रिपल्शन में दोनों अपोजिट होंगे, तो अब मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहती है। चीज समझे, समझे हो, पॉज करके उतारो फटाफट। ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, हमेशा आता है, पूछा जाता है, मिटा दूं? ठीक है, पॉज करके उतार लेना। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ है, जिस भाई को समझ में नहीं आए दोबारा रिवाइंड कर करके देखते जाना, इसको टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमने दोस्तों यहां पढ़ लिया कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में दोनों चीजें देख ली हमने। अब हम देखेंगे कि मेरा एक तो होता है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ठीक है, जो मैं कूलम के हिसाब से निकालता हूं, यह है मेरा इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स और एक है मेरा यहां पे एफ ऑफ जी, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ध्यान देना। और वैसे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर है आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम ने क्या बोला, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम जानते हैं जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यहां वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी थी मेरी, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहां मेरी जी की जो वैल्यू होती है, जी क्या है, जी इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, और जी की वैल्यू होती है मेरी 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये दो चार्जेस के बीच में लगता है, ये दो मासेस के बीच में लगता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है मेरा तो इलेक्ट्रॉन में भी कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में भी कुछ ना कुछ मास होगा ना मेरा, अगर हीलियम पार्टिकल है तो हीलियम एटम में भी कुछ ना कुछ मास होगा ना मेरा, चार्ज भी होगा मास भी होगा। ठीक है, तो ये दो चार्जेस के बीच लगता है और ये दो मासेस के बीच लगता है। अब इन दोनों में हम देखते हैं सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? सबसे पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं हम, तो बताओ जरा सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहली सिमिलैरिटी, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एफ भी क्या है, 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एफ जी भी क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी सिमिलैरिटी यही लिख देता हूं, बोथ फोर्स एक्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ चार्जेस, या एफ जी के केस में आ जाएगा मासेस। इसका मतलब क्या है कि यदि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, तो ये दोनों को लाइन जो जोड़ रही है इसके अलोंग फोर्स एक्ट करेंगे, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, नहीं, कूलम ने ये बोला कि बोथ फोर्सेस एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस, जो सेंटर को लाइन जोड़ेगी उसके अलोंग एक्ट करेंगे ये फोर्सेस, रिपल्सिव अट्रैक्टिव। तो वैसे ही मासेस भी, जो इन दोनों मासेस को लाइन जॉइनिंग करेगी, जो जोड़ेगी लाइन, उसके अलोंग एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल मास हो चाहे चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। तो ये हो गया F12 और ये हो गया F21, दोनों की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो पहला क्या है, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, और दूसरा है बोथ फोर्सेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, तो दोनों चार्जेस को जो लाइन जॉइनिंग करेगी उसके, जो सेंटर से लाइन जॉइनिंग करेगी उसके एक्ट अलोंग एक्ट होगा दोनों फोर्सेस का, उसके अनुरूप उसके अनुदिश बिहेव करेंगे दोनों। चीज समझ में आ रही है? चलिए, ये तो थी सिमिलैरिटीज, अब आती है बात डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस बताओ फटाफट दोनों फोर्सेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एफ ई कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ये जो आपका फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो रिपल्सिव भी हो सकता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन
एफ जी बट एफ जी ऑलवेज अट्रैक्टिव। एफ जी क्या होगा? हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एफ जी ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकंड चीज बताओ मेरे को, जल्दी बोलो। यहां के मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? डिपेंड ऑन मीडियम, बोला था नहीं बोला था? कि इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी, जबकि यहां मैंने यूनिवर्सल कांस्टेंट माना है इस जी को, ये ध्यान दो। और यहां मैंने बोला है डिपेंड अपॉन मीडियम, बोला है नहीं बोला? तो सेकंड ये हो गया कि एफ ई जो है ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, जबकि एफ जी इज नॉट, एफ जी इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। क्यों? क्योंकि यहां पे जी जो है वो मेरा यूनिवर्सल कांस्टेंट है और के जो है वो मेरा डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो चीज समझ में आई है? आई है ना? पॉज करके लिख लो फटाफट, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। पॉज करो, लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हो गए, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। दोस्तों इस साल बहुत कुछ आएगा, इस साल हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होगी, उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी रहेंगे, वो नोट्स आपको फ्री अवेलेबल होंगे। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से, आज नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। चलिए, तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखें, सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। ये क्वेश्चन है और कुछ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है मेरे को, ये दिया हुआ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो पता ही है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ केजी, ठीक है। के की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 × 10⁻¹⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो फटाफट, एक मिनट में, जल्दी 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 जल्दी। चलिए सॉल्यूशन क्या निकालना है? एफ ई और एफ जी का रेशियो निकालना है। कब निकालना है? जबकि हमारे को एयर मीडियम क्या दे रखा है? एयर दे रखा है। चलो, तो ये हो जाएगा एफ ई। एफ ई का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखता हूं मैं एफ ई, तो ये हो जाएगा मेरा के ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो सेम है, ये हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। यहां भी क्या होगा? मास सेम है, तो ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या एम ई ले लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या निकालना है? एफ ई अपॉन एफ जी निकालना है मुझे, दोनों की वैल्यू रख दो, तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर, वैल्यू रख दो।
ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेस टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर माइनस लगा दो यहाँ अपॉन 6.67 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर। दोस्तों सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली 42। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका कि एफ ई अपॉन एफ जी क्या है, एफ ई अपॉन एफ जी जो रेशियो है ना 10 की पावर 42 आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 42 स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई अपॉन एफ जी, या मैं यू लिख सकता हूं एफ ई इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 42 टाइम्स ऑफ एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 42 टाइम्स स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 11th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे देखो जो के की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, जबकि जी की वैल्यू बहुत कम है -11 10 की पावर -11। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज़ टू द पावर 42 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और आगे मेहनत करके वीडियो बनाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहां पे एक और न्यूमेरिकल, फटाफट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स सच दैट व्हेन these two parts are kept some separation, then force between them is maximum. ठीक है, find charge on each part. क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई चार्ज Q है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, किसी डिस्टेंस पे रखा है, तो जो फोर्स है वो फोर्स दोनों के बीच का मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, और डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, किसी चार्ज क्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसी डिस्टेंस पे रखा गया है जिससे उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो हमें क्या करना है, ईच पार्ट को फाइंड करना है। समझ गए क्वेश्चन, यस और नो? कि भाई कोई चार्ज क्यू है, ये कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो दोनों पार्ट में इनको आर डिस्टेंस पे रखा है तो मुझे दोनों पार्ट के बीच में फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, मुझे वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है और दोनों चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी वैल्यू हो तब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। यस और नो? देखो करो फटाफट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे करेंगे। चलिए मैं मानता हूं पहला चार्ज है x, लेट फर्स्ट चार्ज इज x, तो दूसरा क्या हो जाएगा q माइनस x। दो चार्जेस है ना मेरे पास में, पहला x है तो दूसरा q माइनस x हो गया। अब मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि y अगर x पे डिपेंड कर रहा है और y की आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो dy बाय dx क्या होगा, जीरो। ये आपको प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में, क्या कि इफ y डिपेंड ऑन x, ठीक है, और y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो dy अपॉन dx किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। ये कंडीशन होती है,
तो यहां हमसे क्या पूछा है, फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम पूछी है, फोर्स कब मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन, क्यू वन की जगह मैं ले लेता हूं एक्स, क्यू टू, क्यू टू की जगह मैं ले लेता हूं क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फोर्स जो है वो के कॉन्स्टेंट है, क्यू वैल्यू कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो के फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, एक्स पे, और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, df अपॉन dx, और उसको क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, जीरो के बराबर रखते ही मेरा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा निकालो, ये हो जाएगा देखो k x q अपॉन r स्क्वायर माइनस k x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा df अपॉन dx बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और इसको जीरो के बराबर रख दो, जीरो के बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर टू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर, से आर स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, तो क्यू बराबर टू एक्स या एक्स बराबर क्यू बाय टू। ठीक है, तो मैंने पहला चार्ज एक्स माना था तो x की वैल्यू आ गई मेरी q बाय टू, और दूसरा हो जाएगा q बाय टू, क्योंकि q माइनस एक्स या q माइनस क्यू बाय टू। तो कंडीशन आती है कि दोनों चार्ज को अगर मैं इक्वली डिवाइड कर दूं, q है तो q बाय टू कर दूं, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। चीज समझ रहे हो मेरी, कि दो एक चार्ज है q, उसको मैं किस तरीके से डिवाइड करूं कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। तो मैं दोनों फोर्स दोनों चार्जेस को आधा आधा कर देता हूं, क्यू बाय टू कर देता हूं, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा। समझ गए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नोट डाउन कर लो, पॉज करके मिटाता हूं। दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ चलने दिया करो, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी समझ में आ जाती है न्यूमेरिकल नहीं होते, जबकि मैं बोलता हूं कि अगर न्यूमेरिकल समझ में आ जाते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स है, रटना थोड़ी है अपने को, समझना है। फैन में इसलिए ऑन नहीं करता, कई बच्चे कमेंट करते हैं सर फैन ऑन कर लिया करो, आवाज आपको क्लियर नहीं आएगी। चलिए अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या थी। ठीक है, पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूलम्स लॉ वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट, दोनों चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तब कूलम्स लॉ वैलिड होगा, दोनों चार्ज जब रेस्ट पे होंगे तो कूलम लॉ वैलिड होगा। सेकेंड, नॉट वैलिड फॉर चार्जेस इन मोशन, अगर दोनों चार्जेस मोशन में हैं तो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा, नॉट वैलिड। ठीक है, तीसरी और इंपॉर्टेंट, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोस्तों कूलम्स लॉ वैलिड होगा इफ वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड अनादर इज इन मोशन। समझे मेरी बात, कि कूलम्स लॉ वैलिड कब होगा, जब एक चार्ज रेस्ट पे है और दूसरा चार्ज मोशन में है तब भी कूलम्स लॉ लगेगा, लेकिन दोनों चार्ज अगर मोशन में है तो कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, दोनों चार्ज रेस्ट पे है तो कूलम्स लॉ लगेगा। चीज समझ रहे हो, ठीक है। और चौथी चीज और फाइनल चीज, कूलम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस,
पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होगा। अगर एक्सटेंडेड चार्ज है मेरे पास में, एक्सटेंडेड चार्जेस है मतलब ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है मेरा, ठीक है, ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर बिखरा हुआ है चार्ज मेरा, तो यहां कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। कूलम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। ये चार इसकी लिमिटेशन से फटाफट लिख लो पॉज करके। चलो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, पढ़ना तो पड़ेगा, मुझे गर्मी नहीं लग रही, आप भी कंसंट्रेट करें पूरा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिमिटेशंस हो गई। अरे चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोस्तों ध्यान देना, इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, जी में भी आते हैं, एम्स में भी आते हैं, और यहां बच्चे कई गलती करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि ये कोई चार्ज Q1 है और ये कोई चार्ज Q2 है, इसके ऊपर आपने बोला कूलम ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है K Q1 Q2 upon R square, ठीक है, और फोर्स क्या है, यहां मैं लिख देता हूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये मेरा फोर्स लगा K Q1 Q2 upon R square इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों फोर्सेस Q1 है Q2 है और एक और चार्ज ले आता हूं Q3 सिस्टम में, तो जो नेट फोर्स होगा ऑन Q1 और Q2 और Q3, नेट फोर्स ऑन Q2 ले लेता हूं मैं, नेट फोर्स ऑन Q2, तो ये होगा Q1 के कारण फोर्स ऑन टू लेना है ना अपने को, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री, ये मेरा नेट फोर्स हो जाएगा Q2 1 F of 2 1 plus F of 2 3। मतलब क्या है कहने का, देखो जरा कि किसी भी तीसरे चार्ज के आने से, ध्यान देना, किसी भी तीसरे चार्ज के आने से Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स अनअफेक्टेड होगा, वो फोर्स तो उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, ठीक है। सॉरी, किसी भी तीसरे फोर्स के आने पे Q1 और Q2 के बीच का फोर्स अनअफेक्टेड रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो वो केवल नेट फोर्स चेंज होगा, क्यों, क्योंकि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो तो उतना ही लगाएगा जितना पहले लगा रहा था, Q3 भी Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स जो होगा Q2 के ऊपर वो चेंज होगा, न कि इन दोनों के बीच पहले से मौजूद फोर्स, वो तो उतना ही रहने वाला है, ये चीज समझने लायक है। अब अगर यहां पे मेरा एक और चार्ज ले लूं मैं Q4, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन हो गया प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री हो गया प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू फोर हो गया, तो ये हो जाएगा F of 2 4। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरा n चार्जेस का कोई सिस्टम हो जिसमें Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn चार्जेस हैं, तो मुझे नेट फोर्स ऑन nth चार्ज अगर निकालना है तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन n ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू टू प्लस डैश 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 फोर्स ऑन n ड्यू टू n माइनस वन। यस और नो, ये चीज समझ लो, मतलब जो नेट फोर्स होगा वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। क्या होगा, जो नेट फोर्स ऑन nth चार्जेस है वो सारे फोर्सेस का नेट फोर्स होगा।
इसका स्टेटमेंट अगर आप चाहें तो मैं लिखा देता हूं या लिख देता हूं, इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस फोर्स या नेट फोर्स ऑन एनथ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल चार्ज ऑन एनथ चार्ज। मतलब एनथ चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा सभी चार्जेस के द्वारा, वो एनथ चार्ज पे नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा उन सभी चार्जेस का। ठीक है, चलिए ये कूलम्स लॉ था। आगे आने वाले लेक्चर में कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, जो ये जो चार्जेस हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ में आगे के जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, बड़ी मेहनत से बना रहा हूं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें वीडियोस, मेरे रेगुलर वीडियो आएंगे और जल्दी 11th 12th के वीडियोस और डालता हूं। थैंक यू।